नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग किसी अन्य नंबर पे हो गई है तो कैसे उसे डीएक्टिवेट करें, कैसे उसे डिसेबल करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन करते हैं अपने डायलर पैड को और यहाँ पर आपको एक नंबर टाइप करना होगा, 21#। नंबर ये ध्यान से देख लीजिए, 21#। और आपका जिस सिम से कॉल फॉरवर्ड हुआ है, जिस सिम की फॉरवर्डेड कॉल को डिसेबल करना चाहते हैं, उस सिम से आपको सिंपली कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा कॉल फॉरवर्ड इरेज सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों, ये ट्रिक मैं एयरटेल में आजमाया हुआ हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अन्य सिम पे आप चेक कर लीजिएगा ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अन्य सिम पे ये ट्रिक काम करता है कि नहीं करता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि अपनी सिम की कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे डीएक्टिवेट, कैसे डिसेबल करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।